8 दिसंबर को बुलाया भारत बंद, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने दिया समर्थन। दिल्ली बॉर्डर पर किसान कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा कि 8 दिसंबर को देश की सभी सड़कों पर सुबह से लेकर शाम तक चक्का जाम किया जाएगा, सिर्फ एम्बुलेंस और सामाजिक कार्यों के लिए जा रही गाड़ियों को इजाजत दी जाएगी। किसान नेताओं ने देश भर के नागरिकों, व्यापारी संगठनों, मजदूर संगठनों से भारत बंद को समर्थन देने की अपील की है। इस बीच किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। 8 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सभी कार्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। हमारे जिला मुख्यालयों पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों पर, तमाम जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल बनाने में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हुए भारत बंद का समर्थन करते हैं। 8 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी, किसानों के संघर्ष में साथ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।